एक बुजुर्ग 75 एज की महिलाएं थोड़े सा शरीर के तल पर भारपन होने के बावजूद सर्वांग आसन करने में सक्षम हो रही है, सर्वांग आसन के लिए तैयार हो रही है। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सर्वांग आसन की। सर्वांग आसन यानी सभी अंग को जो लाभ दे, सभी अंग के लिए जो आसन है, सभी अंग के लिए जहां प्राण का संचार होने वाला है, सभी अंग को स्वास्थ्य दे, ऐसा आसन। सभी लोग जानते हैं इस आसन के बारे में, सभी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वजन ज़्यादा होने की वजह से या कभी शरीर का अपर बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं होने से हम सर्वांग आसन करने से चूक जाते हैं। तो आज समझेंगे कि जिस स्थिति में अभी आपने देखा कि उषा जी मौजूद थे, उस स्थिति में आने की तैयारी क्या है, कैसे करें, और उस आसन में आने पर भी आपको काफ़ी लाभ पहुंचने लगेगा। और नियमित अभ्यास से, जैसा कि आज उन्होंने पहली बार किया है, तो नियमित अभ्यास से फिर पूरा सर्वांग आसन आ सकता है। समझेंगे कैसे, कैमरे को थोड़ा साइड से आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप अपने मैट को इस तरह से लगा दें लंबी शेप में, और उसके बाद आप दीवार के लाइन पे इस तरह से बैठ जाएं, फिर टर्न कर लें अपने बॉडी को, थोड़ा सा दीवार से हिप को दूर रख करके पांव को दीवार के ऊपर चिपका दें। अगर आपने सिर वगैरह कुछ ऐसा टाइट लगा कि रिबन की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, गर्दन पे तो बाल को खोल के रखिए। हर डिस्टर्बेंस को जो दिक्कत कर सकता है सर्वांग आसन, उसको हटा सकते। तो देखिए पांव के बीच में हिप के बराबर गैप है हमारा, दोनों नी को भी हिप के बराबर गैप में रखना है, बहुत दूर दीवार से नहीं जाना, इतना तो ये काम नहीं करेगा, या बहुत नज़दीक हम चिपक जाए तो भी दिक्कत होगी। तो हमको थोड़ा सा गैप देना है, पांव के बीच में गैप रहना चाहिए, दीवार के बीच में भी गैप रहना चाहिए। हथेली को आप जमीन पे रख दें, एक बार पोजीशन को चेक कर लें। अभी क्या करना है कि सांस लेना है, और सांस लेते हुए दीवार को प्रेस करना, जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं और इधर हथेली को धक्का दे रहे हैं, और धीरे धीरे उठते जाएंगे। अब देखें बॉडी उठ रहा है, जब पेल्विक को फॉरवर्ड करने पूरा अपने हाथ को ले आए सपोर्ट में, जितना ज्यादा एक और नजदीक होता है, फिर उसके बाद पैर को थोड़ा ऊपर उठाते जाए, सपोर्ट बढ़ाते जाए। अब यहाँ से आप पहले शुरुआत करेंगे तो एक बार बैलेंस करने का, तो ये पोजीशन पे आप काफी दिन तक रहें, अगर पैर नहीं उठा सकते तो इसी तरह रहें, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को अभ्यास करेंगे। अगर आपका ये होने लगता है तो धीरे से पीछे जाए और पांव खुला, तो आप शुरुआत में सीधा पांव नहीं करें, थोड़ा तिरछा रखें ताकि वेट आपका ज्यादा नहीं आए। आप देखें दृष्टि विद्युत पे है, थोड़ा तिरछा रखे हुए, बाद में आपको कंफर्ट होता है तो और सीधा करते जाए। ज्यादा बेहतर हो तो आप इंटरलॉक करके ओपन कर सकते, लेकिन ये यात्रा आगे की देखें, और फिर हाथ को खोल के सर्वांग आसन के पूर्व में ब्रीदिंग करते रहे। जब वापस आना हो तो आप धीरे धीरे पहले अपने हाथ को ढीला करें ताकि पांव को पीछे ले जा सके, और फिर पैर को दीवार की तरफ, एक पैर को ले जाएंगे, एक पैर हवा में है, ये दूसरा पैर गया, हिप डिस्टेंस पे रखेंगे, धीरे धीरे वापस लाते जाएंगे, और थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे आराम से, शांति से। ऐसा लेट जाएंगे आप इधर के बारे में थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का स्थिति है, आराम से थोड़ा सा लेट रेस्ट कर लेंगे, और फिर आप काउंटर पोजीशन जरूर करना याद रखें, हाथ को अंदर घुसाएंगे, पांव को सीधा करेंगे, और सांस लेते हुए उठाएंगे, देखिए छाती उभर रही है, फिर कर इस तरह से आंखें बंद कर लेंगे, नीचे से दिखाएंगे दादा तो आप समझ पाएंगे। फिर सांस लेकर के इन्हें वापस आएंगे,
धीरे धीरे टर्न करके बैठ जाए। तो ये आसन ख्याल रहे उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो सभी अंगों को लाभ देना चाहते हैं, खासकर थायराइड वाले लोगों के लिए, क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपके ब्लड का फ्लो थायराइड की तरफ कम होता है और सर्वांग आसन ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। इस आसन में आप पहले कंफर्ट में जितना रह सके उतना रुकें, ब्रीदिंग लेते रहें, बॉडी को जब आप ऊपर उठाते हैं तो सांस लेने का ख्याल रखिए, शोल्डर उठे नहीं, गर्दन रिलैक्स में रहे, चिन्ह और छाती मिली रहे, तो हाँ शांति से इस चीज को धीरे धीरे करते रहेंगे। हड़बड़ाहट दिक्कत कर सकती है, पहला ही दिन पैर ऊपर कर लेना ऐसा जरूरी नहीं है, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाए तो करें, और बेसिक जो 5 आसनों का हमने सीक्वेंस बताया है आपको उसको अभ्यास करते रहें तो ये और मदद करेगा। और याद रखिए सर्वांग आसन फिनिशिंग पोस्चर है, तो जब सब आसन हो जाए बाकी सभी तभी आप सर्वांग आसन कीजिए, मस्त कीजिए, फिर शांति से लेट जाइए और प्राणायाम की तरफ बढ़िए। थायराइड की समस्याएं में आपको बहुत लाभ मिलेगा, किसी का पैर में दिक्कत है, पैल्विक रीजन में प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लीवर किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, लंग्स में इशूज है, ऐसे कई समस्याओं का एक दवा सर्वांगासन। लेकिन सर्वांगासन की तैयारी के लिए बाकी सब आसन करना कभी ना भूलें और इसके बाद प्राणायाम को ध्यान में रखें या कम से कम सवासन करके ही फिनिश करें। तो आप देखेंगे आगे की वीडियो में दूसरे लोग जो आप ही की तरह शरीर के तल पर तैयार नहीं भी हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनको जरूर देखिए, उससे आप आगे बढ़ाइए, लोगों को दिखाइए, उनको भी प्रेरित मिले। और सर्वांग आसन का ये सरल टेक्निक जो कोई और चैनल पे नहीं बताया जा रहा है हर लोग तक पहुंचे, क्योंकि सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है, सबके घर वशिष्ठियों पहुंचने का संभावनाएं हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।